12 से 2 देश का पॉलिटिकल शो देख रहे हैं आप। हरियाणा का सियासी पारा हाई है। हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस्तीफा दे दिया है। नए मुख्यमंत्री के तौर पर नायब सिंह सैनी का नाम सबसे आगे बना हुआ है और जानकारी ये मिल रही है कि आज ही नई सरकार का गठन संभव है। करनाल से लोकसभा चुनाव मैदान में उतारे जा सकते हैं मनोहर लाल खट्टर। पार्टी की तरफ से नई भूमिका मनोहर लाल खट्टर के लिए तय कर ली गई है, यह भी सूत्र बता रहे हैं। और दूसरी तरफ दुष्यंत चौटाला जेजेपी, उनकी पार्टी में टूट संभव बताई जा रही है। सीधे आपको लेकर चलते हैं फिलहाल ग्राउंड जीरो पर। चंडीगढ़ से हमारे सहयोगी असीम बसी इस वक्त मौजूद हैं और हरियाणा निवास के बाहर से हमारे साथ जुड़े हैं। यही हरियाणा निवास के भीतर ही जो बीजेपी विधायक दल की बैठक है वो चल रही है। अभी का अपडेट क्या है असीम? जी हाँ, लगातार जब से रेजिग्नेशन देकर आए हैं राजभवन ने, उसके बाद ही हरियाणा निवास में ये मीटिंग चल रही है और सारे इनके बीजेपी के एमएलए अंदर हैं, स्टेट प्रेसिडेंट अंदर हैं और चीफ मिनिस्टर्स हैं और जो ऑब्जर्वर सेंट्रल ऑब्जर्वर बीजेपी ने भेजे अर्जुन मुंडा, तरुण चुगसा भी अंदर हैं। सो सस्पेंस अभी भी बाकी है कि नया सीएलपी लीडर कौन होगा, लेकिन एक बात कन्फर्म है कि आज ही स्वेयरिंग इन सेरेमनी होगी। 4 से 5 बजे का तय जो सामने आ रहा है कि राजभवन हरियाणा में आज ही स्वेयरिंग इन सेरेमनी होगी। नए मुख्यमंत्री जो भी होंगे वो ओथ लेंगे और जो मिनिस्टर्स बनेंगे उन वो ओथ लेंगे, लेकिन अभी इसी बात पे डेलिब्रेशन चल रही है कि सीएलपी नेता कौन होगा। कोई कास्ट बेस्ड फॉर्मूला निकाला जाएगा कि या फिर खट्टर को ही रिटेन किया जाएगा, ये इम्पोर्टेंट अभी जो अंदर डेवलपमेंट चल रही है। लेकिन थोड़ी ही हमारे साथ मौजूद है और नीरज के पास भी बड़ा अपडेट है, ये फॉर्मूला क्या होगा नई सरकार का, नीरज इसको लेकर क्या खबर मिल रही है? क्योंकि नायब सिंह सैनी का नाम लगातार चल रहा है और कुछ सूत्रों के हवाले से खबर ये भी जिसका जिक्र आप पहले कर रहे थे कि बहुत मुमकिन है एक बार फिर से मनोहर लाल खट्टर पर ही बीजेपी की तरफ से दाव लगा दिया जाए। नीरज देखिए रोमाना, अब हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए। नायब सिंह सैनी बिल्कुल परफेक्ट बैठते हैं मुख्यमंत्री पद के लिए, क्योंकि उनके बनने से मैंने पहले ही बताया कि बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि ओबीसी समाज से आते हैं। बगल में राजस्थान में सैनी समाज का बहुत बड़ा वोट बैंक है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में करीब 10 ऐसी लोकसभा सीटें हैं जहाँ पर सैनी समाज का वोट बैंक है। तो उनके अगर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बनते हैं तो सीधे तौर पर वोट बैंक में इसका सीधा इजाफा लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत भी होगा और विधानसभा चुनाव में भी इसका फायदा होगा। लेकिन थोड़ा सा इंतजार करने की ज़रूरत है हमें। थोड़ी देर में विधायक दल की बैठक खत्म हो जाएगी और विधायक दल की बैठक में यह तय हो जाएगा कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। नायब सिंह सैनी ही बनेंगे मुख्यमंत्री या मनोहर लाल खट्टर दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे घटनाक्रम में जेजेपी को बौना कर दिया, जेजेपी को पार्टी से गठबंधन से निकालकर बाहर कर दिया और उसके पीछे का सिर्फ एक ही कारण है, क्योंकि जेजेपी लगातार 2 लोकसभा की सीटें मांग रही थी, भारतीय जनता पार्टी एक भी सीट देने को तैयार नहीं थी, जिस पर दोनों में सहमति नहीं बनी। आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, जरा वरिष्ठ पत्रकार जो स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं उनसे भी एक एक रिएक्शन लेते हैं। विजय जी, हरियाणा की सियासत में तब्दीली देखने के लिए मिलेगी जिसका जिक्र अभी नीरज कर रहे थे, मतलब जेजेपी राजनीतिक अस्तित्व के उस पर प्रश्न चिन्ह? बिल्कुल ऐसा संभावना लग रही है। वैसे भी वो बड़ा मुश्किल उनका चल रहा था और पिछले दिनों जब भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन हो गया उनका, हालांकि उस समय बीजेपी को ज़रूरत थी क्योंकि उनके बिना विधायक विधानसभा में निर्दलीय तब भी थे, लेकिन निर्दलीय विधायकों के साथ सरकार को लंबे समय तक चलाना स्टेबिलिटी नहीं होती, तो उसमें जेजेपी ने मदद की। लेकिन जेजेपी का कोई पूरे हरियाणा में उस तरह से आधार नहीं है और वो आई मुझे याद आता है कि उस समय जब दुष्यंत चौटाला ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया था तब भी बहुत से लोगों की तरफ से कहा गया था, राजनीतिक विश्लेषकों की तरफ से, कि अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम दुष्यंत चौटाला की तरफ से किया गया। बिल्कुल ठीक, इस पर आगे हम चर्चा बढ़ाएंगे। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।